फ्रेंड्स, हम लोग अभी पागोड़ा आ चुके हैं और आप ये देख सकते हो पीछे के साइड में तो जब मैंने एंट्री की थी तभी एक्चुअली मैं वीडियो बना नहीं पाया था, परमिशंस के कुछ इश्यूज़ है यहाँ पे एंड ड्यू टू परमिशंस के काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है यहाँ पे जो फॉलोअप करना पड़ेगा। सो, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है तो मैं परमिशंस वगैरह कुछ ले नहीं रहा हूँ। कैमरा से मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ बट राइट नाउ मैं कैप्चर कर रहा हूँ वीडियो थ्रू मोबाइल। सो, आप देख सकते हो पता नहीं ऊपर और कुछ कैप्चर करने देंगे या नहीं देंगे बट लेट्स सी, ट्राई करते हैं कुछ कैप्चर करने की। हम देख ही सकते हो पीछे के साइड में, जस्ट हैव अ लुक। The huge one. आज संडे है तो काफ़ी पब्लिक आ चुकी है, बहुत भीड़ है, वीडियो निकालना मतलब इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू कवर। गाइस, ये जो है मेरे पीछे वो आप देख सकते हो स्टेइंग के लिए शायद बनाया गया है ये लोग के लिए, जो यहाँ के महाराज या जो पंडित जी हैं वो लोगों के लिए। बट आप ऐसे देख सकते हो, जस्ट हैव अ लुक, ऐसा वाला व्यू, वेरी ह्यूज वन। वैसे शायद शूटिंग में या वीडियो रिकॉर्डिंग में ये टेंपल छोटा दिखता होगा बट यहाँ पे अगर आके अगर आप देखोगे तो बड़ो भी एस बहुत बड़ा। मूविंग फर्दर, Moving further. Guys, मैंने और एक चीज यहाँ पे देखी है, ये देखो सोलार विंड्स, इलेक्ट्रिसिटी इससे ही जनरेट होती है जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है। सो, और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा बट ऑब्वियस। सिक्योरिटी के रीज़न के वजह से मैं ज़्यादा अंदर या आसपास इस गिर्द जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे देख लिया वीडियो निकालते हुए तो आई डोंट नो
मुझे फाइन भी लग सकता है। थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे, कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, देख सकते हो आप। और एक चीज़ देखने को मिली है, लेट्स कवर इट। रोटेट करता हूँ ताकि देख पाओगे आप लोग। मैंने ट्रस्टी वालों से यहाँ पे ऑफिस में मैंने इंक्वायरी की थी कि मुझे कोई गाइड मिल जाए यहाँ ये लोकेशन एक्सप्लेन करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई है नहीं। सो लेट्स मूव फ्रॉम हियर। नज़र घुमानी पड़ रही है यहाँ वहाँ, अननेसेसरी। मोबाइल जब ना हो जाए। काफ़ी अच्छी तरह डिज़ाइन किया हुआ है ना, पानी के फ्लोज है, फाउंटेन नहीं बोल सकते बट फ्लो है पानी का। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ अभी वो ऊपर ही है मंदिर के पास में, अलग अलग गार्डन बनाया है और अलग अलग स्टैचूज भी है कोई तो। इनका नाम है श्री सत्यनारायण गोयनका एवं श्रीमती इलायची देवी, क्या नाम है देख लो एक बार। I don't know, नाम दिख रहा है या नहीं। Let's move. ये गार्डन है देख ही सकते हो आप। काफी अच्छी तरह बनाया है जगह पे, एज इट इज सिक्योरिटी है। जस्ट होल्ड ऑन, कैप्चर करता हूँ।
इस बंदे की तो नहीं है, ना ही कोई कचरा या कूड़ा या कोई कुछ डाल रहा है। सो नाइस, बैक साइड का पोर्शन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये मंदिर का बैक साइड पोर्शन है, दरवाज़ा भी देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी तरह डिज़ाइन किया हुआ है। राइट, ऊपर की तरफ देखते हैं, अगेन दी यूज वन। वेरी नाइस वन गाइज। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे देखो आप मेरे पीछे, ये है, इसको बोल सकते हैं धम्मा पटना विपसना सेंटर, देख सकते हो मेरे पीछे। वेरी नाइस, दिखाने की कोशिश करता हूँ अनलेस एंड अंटिल कोई कुछ ना बोले। धम्मा, क्या है धम्मा, गुरुजी निवास, मतलब पंडित जी और उनके लिए ही है ये, आराम करने के लिए। वेरी नाइस डिज़ाइन मैन, जब तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है निकाल लेते हैं वीडियो। व्हाट यू से, एम आई राइट और रॉन्ग? चाइनीज टाइप लग रहा है ना डिज़ाइन। चाइनीज टाइप लग रहा है, वेरी नाइस। ये पर्टिकुलर जगह पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं, बट देर आर सम टाइमिंग्स। यहाँ पे ऐसा है कि आप अंदर जाकर मेडिटेशन कर सकते हैं इजीली, चाहे हाफ एन आवर, वन आवर, टू आवर, डिपेंड करता है। तो मुझे अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली नहीं है, तो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। वाओ, ये व्यू काफ़ी अच्छा है। लेट मी मूव लिटिल फर्दर और आगे जाते हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस व्यू। चुका है रिटर्न जाने का, लेट्स मूव।
तो गाइस ये देख लो आप, ये बाहर से व्यू है जो मैं निकाल नहीं पाया था वाइल एंट्रिंग। ये है पागोड़ा जो बोरीवली वेस्ट में है, छोटे से बोट में आना पड़ता है। मुंबई इंडिया सो गाइज़ हम लोग यहाँ से अभी मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ बाइक और टिल नाउ गाड़ी नंबर स्टे ट्यून्ड 04 HM